नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं जंबू सीरीज की एक और धमाकेदार कॉमिक्स, जंबू का भूत। जंबू सुपर कंप्यूटर का बाप, डॉक्टर भावा की देश के वो एक महान भेंट, अपराधियों का काल जिसके भीतर आज भी डॉक्टर भावा जीवित हैं, अकल्पनीय व हैरत अंगेज शक्तियों का स्वामी जंबू। सुनहरे बिच्छू ने फोन उठाया और बोला, क्या कहा, जंबू मर गया? दूसरी तरफ से रैपट सिंह बोला, मैं जानता था बॉस कि आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन यह सच है, जंबू नाम की मशीन को मैंने हमेशा के लिए सुला दिया है। सुनहरे बिच्छू ने कहा, सुनहरे बिच्छू को मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है रैपट सिंह, अगर ये खबर झूठी हुई तो? रैपट सिंह ने कहा, रैपट सिंह को अपनी जान प्यारी है सुनहरे बिच्छू। जंबू की लाश इस वक्त मेरे सामने नैनी झील के तल पर पड़ी है। सुनहरे बिच्छू ने कहा, ठीक है, हम वहाँ पहुँच रहे हैं। अगर तुमने वाकई जंबू को मार डाला है तो मैं तुम्हारा मुंह मोतियों से भर दूंगा रैपट सिंह। रंधावा ने कहा, सुनहरे बिच्छू ये अभी आप फ़ोन पर क्या ये? सुनहरे बिच्छू बोला, कुछ बताने का समय नहीं है रंधावा, हमें फौरन हेलीकॉप्टर द्वारा नैनी झील चलना है, क्विक। वे दोनों हेलीकॉप्टर पर सवार होकर नैनी झील के पास पहुँचे। सुनहरे बिच्छू ने कहा, रैपट सिंह। रंधावा बोला, इसका मतलब वह झूठ नहीं बोल रहा। रैपट सिंह ने कहा, आइए, जंबू की लाश उधर पड़ी है। सुनहरा बिच्छू बोला, मेरी आंखें उस हरामजादे की लाश देखने को तरस रही हैं। रैपट सिंह ने कहा, वह देखिए सुनहरे बिच्छू, पहचान लीजिए जंबू को। सुनहरा बिच्छू बोला, ये जंबू है? उफ, अब भी यकीन नहीं होता, क्या ये सचमुच लाश में बदल चुका है रैपट सिंह? रैपट सिंह ने कहा, 100% सुनहरे बिच्छू। सुनहरे बिच्छू ने कहा, मुझे यकीन नहीं आता। रंधावा, रंधावा, गोताखोरी की पोशाक लाओ, मैं उसे नज़दीक से देखूंगा। सुनहरे बिच्छू ने गोताखोरी की पोशाक पहनकर झील में गोता लगाया और जंबू की लाश देखकर सोचने लगा, कोई हरकत नहीं, ये तो मर गया लगता है। सुनहरे बिच्छू ने कहा, वाह रैपट सिंह, कमाल कर दिया तुमने। रंधावा बोला, मेरी तो खोपड़ी ही काम नहीं कर रही, रैपट सिंह ने जंबू को आखिर कैसे समाप्त कर डाला? सुनहरा बिच्छू बोला, बताओ रैपट सिंह, जिस काम को बड़े बड़े सूरमा अपराधी न कर सके उसे तुमने इतनी आसानी से कैसे कर डाला? रैपट सिंह ने कहा, सुनहरे बिच्छू, यह तो आप जानते ही हैं कि भारतीय सीक्रेट सर्विस में मैं आपके भेदी के रूप में काम करता हूँ। उस दिन जब जंबू आ रहा था तो रैपट सिंह ने सोचा, ओह जंबू सुपर कंप्यूटर का बाप, ये तो चीफ के रूप में गया है। चीफ ने कहा, आओ जंबू, उफ डॉक्टर भावा, मैं आपका ही इंतज़ार कर रहा था। जंबू ने कहा, और मैं आ गया। कहिए कैसे याद किया? चीफ ने कहा, जंबू तुम्हारी प्रसिद्धि से जलकर बहुत से लोग तुम्हारे जानी दुश्मन बन गए हैं, मैं तुम्हें विशेष सिक्योरिटी देना चाहता हूँ। जंबू ने कहा, आपने भी क्या शानदार चुटकुला सुनाया है सक्सेना साहब, जो जंबू खुद दूसरों की सिक्योरिटी के लिए बना है उसे भला सिक्योरिटी की क्या आवश्यकता है? आप शायद भूल रहे हैं कि जंबू सुपर कंप्यूटर का बाप है, वह अकेला ही कई फौजों के छक्के छुड़ा सकता है। चीफ बोले, ओह इसका मतलब मैं नहा की डर रहा था, खैर अब तुम आ ही गए हो तो एक कप चाय तो पीकर ही जाओ। जंबू ठहाका लगाकर हंस पड़ा और बोला, सक्सेना साहब, जंबू के लिए चाय तो दूर, पानी की एक बूंद भी ईश्वरपुरी का टिकट है। चीफ ने कहा, क्या मतलब? जंबू बोला, मतलब सीधा सा है, मेरा जिस्म विभिन्न इलेक्ट्रिक सर्किटों से जुड़कर बना है और पानी इलेक्ट्रिक का दुश्मन है, यानी अगर पानी की एक बूंद भी उस सर्किट में प्रवेश कर जाए तो सारा सर्किट धू धू कर जल उठेगा और जंबू प्यारे का राम नाम सत्य हुआ ही समझो। चीफ ने कहा, फिर तो ऐसे रहस्य तुम्हें स्वयं मेरे सामने भी नहीं बताने चाहिए जंबू। जंबू ने कहा, आप निश्चिंत रहिए सक्सेना साहब, जंबू कोई रसगुल्ला नहीं है कि मुँह में डाला और गप कर लिया। रैपट सिंह सोचने लगा, पानी की एक बूंद सर्किट। रैपट सिंह ने सुनहरे बिच्छू को फ़ोन मिलाया और बोला, हेलो सुनहरे बिच्छू, रैपट सिंह बोल रहा हूँ। सुनहरा बिच्छू बोला, ओ रैपट सिंह, क्या रिपोर्ट है? रैपट सिंह ने कहा, सुनहरे बिच्छू, मैं आपको जंबू की लाश का तोहफा देना चाहता हूँ। सुनहरा बिच्छू बोला, जंबू की लाश, क्या पकते हो? रैपट सिंह ने कहा, अगर मैंने ऐसा कर दिया तो? सुनहरे बिच्छू ने कहा, लगता है कि तुम्हारे दिमाग का फ्यूज़ उड़ गया है रैपट सिंह, या फिर आत्महत्या पर उतारू हो। रैपट सिंह बोला, मैं सचमुच जंबू का राम नाम सत्य कर सकता हूँ सुनहरे बिच्छू। सुनहरे बिच्छू ने कहा, कैसे? रैपट सिंह ने कहा, यह आप मुझ पर छोड़ दीजिए। सुनहरा बिच्छू बोला, अगर ऐसा हो गया तो मैं तुम्हें दौलत से तोल दूंगा, हमारे ऑपरेशन टारगेट में जंबू ही सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। रैपट सिंह ने कहा, समझिए वह खतरा टल गया, जंबू की मौत आ गई, जल्दी ही खुशखबरी दूंगा।
रैपर सिंह ने जंबू को फ़ोन मिलाया और सोचने लगा, जंबू बेटे मेरी इस कॉल पर तुम्हें दौड़े दौड़े आना होगा। मैंने आपको पकड़वाने का लालच देते हुए आपके ऑपरेशन टारगेट के विषय में जंबू को बता दिया। जंबू ने कहा, क्या तुम कौन हो? रैपर सिंह ने कहा, सुनहरे बिच्छू को पकड़ना चाहते हो तो नैनी झील पहुँच जाओ बस। जंबू पहुँच गया और बोला, अरे यहाँ तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। ठीक उसी पल जंबू के ऊपर पानी की बौछारें पड़ने लगी। जंबू बोला, उफ यह क्या, आह नहीं नहीं। रैपर सिंह ने कहा, जंबू अब तुम्हारे बचने का कोई रास्ता नहीं। जंबू बोला, कमीने धोखेबाज, तूने मेरा सारा सर्किट, आह अब मैं नहीं बचूंगा, लेकिन बदला, आह। रैपर सिंह ने कहा, अरे ये तो बेजान हो गया। इसका मतलब? रैपर सिंह भयानक ढंग से अट्टहास कर उठा और बोला, जंबू मर गया, जंबू को मैंने अकेले ही मार डाला, खुशी से पागल हो उठा। रैपर सिंह बोला, जंबू सुनहरा बिच्छू तुम्हारी लाश देखकर मुझे सोने से तोल देगा। अपनी बात समाप्त करता हुआ रैपर सिंह प्रसन्नता के आवेग से चीख पड़ा, जंबू मर चुका है सुनहरे बिच्छू, अंग अंग बेकार हो चुका है उसका। सुनहरे बिच्छू ने कहा, यू आर ग्रेट रैपर सिंह, यू आर ग्रेट। रंधावा बोला, ऑपरेशन टारगेट की सबसे बड़ी बला समाप्त हो गई। रैपर सिंह ने कहा, अब हमें भी यहाँ से निकलना चाहिए सुनहरे बिच्छू, क्योंकि मैं जंबू की मौत की खबर पुलिस को दे चुका हूँ, वह कभी भी यहाँ पहुँच सकती है। सुनहरे बिच्छू ने कहा, जंबू की मौत की खबर सुनकर तो पुलिस के छक्के ही छूट गए होंगे, लाश देखकर तो हंगामा मच जाएगा। ठीक उसी क्षण तीन गाड़ियाँ वहाँ पहुँचकर रुकी। जंगल में आग की तरह जंबू की मौत का समाचार फैल गया। लोग बोले, क्या जंबू मारा गया? सुपर कंप्यूटर के बाप की मौत? असंभव। अपराधी गुटों के लिए जश्न का दिन था, जंबू की मौत के लिए हा 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 चीयर्स। उधर डॉक्टर भावा की कोठी पर सुषमा ने कहा, यह नहीं हो सकता, जंबू नहीं मर सकता। कमिश्नर साहब कह दीजिए कि यह झूठ है, जंबू जीवित है और ठीक है। कमिश्नर साहब ने कहा, हमें अफसोस है सुषमा बहन, जंबू की लाश का निरीक्षण बड़े बड़े वैज्ञानिकों की देख रेख में हुआ है, वह वास्तव में मर चुका है। बंटी ने कहा, नहीं जंबू इतनी आसान मौत नहीं मर सकता, अंकल आप झूठ बोल रहे हैं, आपको धोखा हुआ है। कमिश्नर ने कहा, बंटी बेटे अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि पूरे शहर में इस समय बच्चे बच्चे की जुबान पर केवल यही एक खबर है कि जंबू मर गया, सुपर कंप्यूटर का बाप समाप्त हो गया। बंटी ने कहा, कमिश्नर अंकल अगर ये सच है तो मैं उन लोगों को जीवित नहीं छोड़ूंगा जिन्होंने जंबू को लाश में बदला है। मुझे बताइए अंकल कौन थे वे हत्यारे, मैं उनका खून पी जाऊंगा, जंबू की मौत का बदला लूंगा मैं, बोटी बोटी उड़ा दूंगा मैं उन कुत्तों की। कमिश्नर ने कहा, सॉरी बेटे, पुलिस हत्यारों का पता लगाने की पूरी चेष्टा कर रही है। कमिश्नर बोले, मुझे तो जंबू की मौत का अभी भी यकीन नहीं होता, केवल पानी उसकी मौत का कारण बन गया, आश्चर्य है। सुषमा ने सोचा, आह क्या आज मैं सचमुच विधवा हो गई हूँ? नहीं। तभी बंटी बाहर जाने लगा। कमिश्नर साहब बोले, बंटी कहाँ जा रहे हो? ठहरो, सुनो, रुको। बंटी ने साइकिल उठाई और निकल गया। कमिश्नर बोले, उफ न जाने कहाँ गया है। सुषमा ने कहा, बंटी रुक जा बेटे। बंटी ने उनकी एक न सुनी और वह भारतीय सीक्रेट सर्विस के चीफ के पास पहुँचा। चीफ ने कहा, बंटी तुम यहाँ? बंटी बोला, हाँ चीफ अंकल, जंबू की मौत की खबर मुझे यहाँ खींच लाई है। आप जरूर जानते होंगे कि यह काम किन शैतानों का है, अगर आप सबूतों के न मिलने की वजह से चुप हैं तो मुझे बताइए अंकल, मैं उन कमीनों को कब्र से भी खोजकर उनके चीथड़े उड़ा दूंगा। आप चुप क्यों हैं अंकल, मुझे जंबू के हत्यारों के नाम चाहिए। चीफ ने कहा, बंटी तुम होश में नहीं हो, यह काम इतना आसान नहीं है, शहर की सारी खुफिया पुलिस जंबू के हत्यारों को ढूंढ रही है। बंटी ने कहा, तब फिर आप मुझे यह बताइए कि जंबू के लिए पानी घातक है यह बात कौन कौन जानता था। चीफ बोले, ओह यह बात तो अभी तक किसी के दिमाग में ही नहीं आई। वेरी गुड बंटी, तुमने हमें आगे बढ़ने का रास्ता दे दिया, कल स्वयं जंबू ने यह रहस्य मुझे बताया था, मुझे लगता है यह रहस्य किसी तरह जंबू के हत्यारों तक पहुँच गया। और एकाएक बंटी कमान से छूटे तीर की तरह दरवाजे की ओर लपका। चीफ ने सोचा, इसे क्या हुआ। एक झटके के साथ दरवाजा खोलते ही चीख पड़ा बंटी, अंकल यह आदमी हमारी बात सुन रहा था। चीफ ने कहा, रैपर सिंह? परख झपकने से पूर्व ही रैपर सिंह खतरे को भांप गया और भागने लगा। बंटी ने कहा, कमीने तेरा नाम पता जाने बिना मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। बंटी ने रैपर सिंह को एक जोरदार लात मारी। रैपर सिंह के नीचे गिरते ही बंटी पुनः उछला, किंतु रैपर सिंह तैयार था, उसने बंटी को दीवार की तरफ फेंक दिया।
तभी चीफ वहां पहुंचे और रिवॉल्वर निकालकर बोले, रुक जाओ। रैपर सिंह ने बंटी को धक्का दिया और वह चीफ के ऊपर जाकर आ गिरा, किंतु शीघ्र ही खड़ा होकर वह रैपर सिंह के पीछे लपका और सोचने लगा, कमीने, अगर तू जम्बू का हत्यारा है तो मैं तुझे बचकर नहीं जाने दूंगा। रैपर सिंह सोचने लगा, ओह, कम्बक साइकिल पर पीछा कर रहा है, इससे पीछा छुड़ाना होगा। द्रुत वेग से दौड़ रही कार के ब्रेक दबे और तूफान की तरह पीछे आ रही बंटी की रेसर कार से टकरा गई। बंटी साइकिल से गिर गया। रैपर सिंह ने कहा, कल का छोकरा और रैपर सिंह का पीछा कर रहा था। तभी कार की पिछली सीट से आवाज़ आई, मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है रैपर सिंह? रैपर सिंह ने कहा, कौन? फिर आवाज़ आई, मुझे नहीं पहचाना चमगादड़ के मुरब्बे, ले सामने आ रहा हूँ मैं। तभी जम्बू उसके सामने आ गया और बोला, पहचान मुझे बागड़ बिल्ले? रैपर सिंह ने कहा, तुम जम्बू? रैपर सिंह के पांव ब्रेकों पर कस गए। जम्बू ने कहा, जम्बू को तो धोखे से ख़त्म कर दिया है तूने कमीने। रैपर सिंह बोला, तो फिर तुम कौन हो? जम्बू ने कहा, जम्बू का भूत। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।